सुहेल, अब आप सलमान की टेंशन लेना बंद कर दीजिए। आपके लिए एक भाभी ढूंढ ली है। वो नाजुक है, कम सिन है, बस एक छोटा सा टेंशन है। वो क्या है ना कि किंग कॉन्ग का बेटा टिंग टोंग भी करना चाहता है उससे शादी। चलिए देखते हैं ये विदेशी बंदर हमारी देसी मंदाकिनी से शादी कर पाता है या नहीं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज टिंग टोंग एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। बात कितनी सुनते हैं। पिछले एपिसोड में मेरे को बंदर बोला, ये एपिसोड मेरे को बंदर बना दिया। इस हिसाब से तो माहेश्वरी और वो अंकिता लोखंडे को कॉमेडियन बनना चाहिए। अगले एपिसोड में शायद कॉमेडी भी करे। वैसे मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ ढक चिकी, मैं हूँ टिंग टोंग, किंग कॉन्ग का बड़ा बेटा। मेरे पिताजी को आप तो जानते है ना। अरे बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्टर थे वो, हॉलीवुड की हीरोइन के साथ उन्हें लफड़ा किया था मालूम है। और इतने ठरकी थे मेरे पिताजी, इतने ठरकी थे, एक बार हीरोइन बीमार पड़ गई तो बिल्डिंग पे चढ़ गए। नहीं, वो क्या अस्पताल देखने के लिए। आपके मन में तो कुछ भी आता है, लेकिन मेरे मन में एक लड़की आती है। आज किधर है वो, किधर है वो लड़की, किधर है? मैं इसी जंगल में हर शाम 7:45 जंगल के बाथटब में नहाने आती हूँ, एकदम अकेली। सुहेल जी, ये इन्फॉर्मेशन ही इन्विटेशन है। हर बार दूर से नहीं, कभी पास आकर भी मजा लेना चाहिए। ओ माय गॉड, फीलिंग हॉट। सुहेल जी, शर्म आनी चाहिए आपको। एक जवान कुंवारी लड़की नहा रही है और आप कैसे मुंह खोल के देख रहे हैं? इतना नहीं कि आके पीठ पे साबुन लगा दूं। मैं लगा दूं? अनिल जी, शर्म कीजिए, आपकी एक फिल्म को ऑस्कर क्या मिल गया? इतना गिर सकते हैं आप कि एक लड़की नहा रही है और आप? अरे मैं अनिल नहीं हूं यार। किचकी ढक चिकी टिंग टोंग, और तू खुद को लड़की बोलती है? अरे हमारे जंगल में 3 महीने की हाथी तेरे साइज की होती है और खुद को लड़की बोलती है। बकवास बंद करो, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो तुम्हें नहाते हुए देखता हूँ हर रोज, छुप छुप के। थल, तू बेशरम होके सबके सामने नहाती है तो मैं छुप छुप के क्यों देखूं? और वैसे भी मुझे हक है तुम्हें देखने का, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते हो? हाँ, I love you. हट पीछे। अरे तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अरे ये सारे जंगल को हो क्या गया यार? कल मुझे भालू मिल गया, मुझे कहने लगा आमी तुम्हाके भालू बाशी। अरे मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? मेरा ऑलरेडी चक्कर टार्जन के साथ चल रहा है। टार्जन? अरे जैसी तेरी साइज है तू टार्जन के साथ नहीं, चार्गेन के साथ फिट हो सकती है। और मुझे देख, मैं अकेला हूँ, मुझसे शादी कर ले। अरे नहीं कर सकती, तुम गोरिल्ला हो, गोरिल्ला। अरे गोरिल्ला हूँ तो क्या हुआ, विंदु दारा सिंह को गोरी लड़की मिल सकती है, फिर मैं तो गोरिल्ला ही हूँ ना यार। और मेरी माँ मुझे कहती है, अर्चना जी बेटा गोरिल्ला मेरे लिए बहु गोरिल्ला। बात को
समझ रहे तुम? देखो मैं इंसान हूँ, तुम एक बंदर हो। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो और एक और सुरेंद्र पैदा हो। वो तो सही बात है, परसों सुरेंद्र उसका भाई। अरे बताओ ना परसों क्या हुआ। अरे बड़ा टैलेंटेड हूँ मैं, देखना है मेरा टैलेंट। बाजूहट अरे सच में बड़े इंटरटेनिंग हो। अच्छा चलो जाओ सुहेल जी के लिए पानी लेकर आओ। अच्छा अर्चना जी के पानी लेकर आओ। चलो जाओ रोशनी के लिए पानी लेकर आओ। अरे वाह तुमसे शादी करूंगी। और सुनो मैंने तो अपनी सुहागरात के लिए कमरा भी सजा लिया है। जाओ जाकर तुम देख कर आओ, जगह कम तो नहीं पड़ेगी। अरे पिंजरा तो खोलो। अरे पिंजरा तुम्हें बंद करने के लिए बनाया गया है, समझे? देखा अर्चना जी, मैंने अनशन भी शुरू नहीं किया, मुझे अंदर डाल दे दिया। की डार्लिंग है? अरे ये तो प्यार का चक्कर तुम्हें अंदर बंद करने के लिए चलाया था। याने तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ दिया, मेरे से दिल से खिलवाड़ किया। किया? ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। तुम तो मेरे ही सर्कस में जाओगे। नहीं 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 नहीं, मैं सर्कस में नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें पता है उधर सिद्धार्थ जाधव जानवर के पिंजरे में बंदर बन के तुम्हारे सारे शो कर रहा है। तो उसमें क्या है, मैं भी उसकी जगह मराठी फिल्में करता हूँ। तो हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। अरे चुप रहो, तुम सर्कस में ही जाओगे। हेलो ब्रेकिंग न्यूज, मैंने बोलने वाला गोरिल्ला पकड़ा है, पूरे देश में धमाल मच जाएगा। अरे यस, टिकटें महंगी कर दो, जितनी अर्चना की पेमेंट है ना उससे डबल कर दो। यस, अरे हाँ हाँ, 10 रुपए की टिकट कर दो, मैं आ रही हूँ गाड़ी लेने। यस देखा अर्चना जी, एक औरत ने मुझे बेवकूफ बना दिया। क्यों चढ़ा अपने चक्कर में, के चक्कर में क्यों पड़ा? लेकिन आपको मालूम है, हूं तो मैं गोरिल्ला, लेकिन मेरी माँ एक इंसान थी। जरा सैड बजाना, सैड। मेरी माँ एक इंसान थी, इतना भी नहीं रे, इतना नहीं है, जरा नॉर्मल बजाना। लेकिन आपको क्या बताऊं, मेरे पापा को हर दिन बोलती थी, इसके होठों का कुछ करो, होठों का कुछ करो, सुनील शेट्टी जैसे बढ़ रहे हैं। बद्रू बद्रू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बद्रू। मुझे मालूम था मेरी प्यारी बंदरिया ढूंढेगी सजनिया। बद्रू बद्रू, मुझे अपना हाथ दो बद्रू। ये ले लो। ये क्या किया? अपनी रिंग वापस लेने आई थी। अरे यार मुझे 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 यहाँ से बाहर निकालो बंदरी, प्लीज बाहर। अरे कैसे बाहर निकालू, तेरी जगह ही यही है। धोखेबाज। धोखेबाज क्या धोखा किया मैंने? भूल गए सुहेल जी, सुहाग रात वाली रात कहता एक बंदा और बुलाओ, मैं तो नकल कर सकता हूँ, मैं तो बंदर हूँ। मुझे सर्कस में नहीं जाना है। अरे तेरी जगह सर्कस में ही है, समझे? अरे लेकिन मैं इस सर्कस में चल रहा हूँ ना, उधर तो जो नहीं चलते उनको भेज दो ना यार। अरे जो सर्कस में नहीं चल रहे ना वो उधर ही है। बेचारे शेखर जी सर्कस में घोड़े धो रहे थे। घोड़े? पहले ना घोड़ियां नहीं लाते थे, लेकिन घोड़ियों ने कंप्लेंट कर दी, कहते बंदे की नजर बड़ी गंदी है। फिर बेचारे पार्ट टाइम घोड़े नहलाते हैं और रात को मछली बन के एक्वेरियम में करतब दिखाते हैं। तू मेरी मेरी बीवी है ना, ए मेरी अच्छी बीवी, मुझे निकाल दे प्लीज। क्या बंदरू, तुमने भी मुझे इमोशनल कर दिया। रुक, खोलती हूँ तुझे। अरे कैसे बाहर निकालू,
इसमें तो ताला ही नहीं है। अरे क्या सुरेंद्र जैसी बात कर रही है, तू अंदर आजा फिर हम अंदर ही स्वागत मनाते आ जा। नहीं नहीं अंदर नहीं आऊंगी मैं। क्यों? एक मिनट उनसे पूछती हूँ, अगर तो आपको एक्ट गंदा लगा है और मारने वाले हो तो अंदर जाती हूँ, अगर अच्छा लगा है तो फिर ये भी बाहर आता है। बताइए ना कैसा लगा हमारा एक्ट? इस बंदर और बंदरिया का खेल आपको कैसे लगा अर्चना जी? स्किनी स्किनी पतली दुबली मॉडल्स रैंप पर चलती हैं और अपनी अदाएं दिखाती हैं और लोग बोलते हैं वाह 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 वा। भारती आप अपने वजन के बावजूद जब वहां से आई वो पनघट पर ऐसे चल रही थी जब आप, यू कैन बीट एनी रैम्प मॉडल एंड पुट हर टू शेम। और सिद्धार्थ आपने जो यहाँ पर आकर मुझे डराया, आपकी एंट्री, आपकी फिजिकल जो कॉमेडी थी, योर ऑल योर एंटिक्स व्हेन यू आर प्लेइंग द बंदर विदाउट एनी डायलॉग, सुपर सुपर। सुहेल आपको इनका एक्ट कैसे लगा? मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा टू टेल द ऑडियंस एट होम, मैं भी ये प्रोग्राम देखा करता था, इन्जॉय करता था, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा ये था कि घर पे बैठे यू नो टैलेंट देख रहे, रीटेक होते होंगे, टीवी है, 15-20 कैमरों का सेटअप है, लेकिन यहाँ मुझे पहली बार आके लाइव पता चला है दैट द टैलेंट एक टेक पे 15 मिनट स्टेज पे, आपकी जो एंट्री थी, मैं और अर्चना बात कर रहे थे आप कहाँ से आ गए। तो मैं ये ऑडियंस को जो टीवी पे घर पे देखते हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे शोज का मुझे पता नहीं, लेकिन ये शो जो है एक एक्चुअली थोड़ा डिले टेलीकास्ट होता है, लेकिन जो हम देखते हैं वो लाइव है, विच इज़ फैबुलस। क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप लाइव देखते हैं, हम लोग लाइव करते हैं, लेकिन ये जो बूस्टिंग आपसे मिलता है ना सर, पूरी क्रिएटिव टीम हम लोग के पीछे लगी रहती है एक्ट से शुरू से पहले तक कि आप अच्छा करो, ये नहीं कि आपको रिहर्सल को कितना दिन मिला, इतना अच्छा करो, इतने हम लोग को बूस्टिंग करते सर। और मैं जानता हूँ ना यार, मैं जानता हूँ ना, आज चलो आज मैं बड़े पर्दे पे हूँ, मैंने डायरेक्ट भी किए, मैंने प्रोड्यूस भी किए, आज जब मैं आया था फर्स्ट एपिसोड में, जब मुझे 5 लाइन दिए गए थे, मैंने डायरेक्टर को बोला कि एक काम करे 5 लाइन जो है ना ये एक एक लाइन करके शूट कर, तो मुझे कोई हक नहीं है यहाँ जज की कुर्सी पर बैठने का, बिकॉज मैं किस्मत से हूँ जहाँ हूँ, एक फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन द रियल टैलेंट लाइज विथ यू बॉयज। चलिए सुहेल, इतने अच्छे कमेंट्स के बाद इन्हें अच्छे नंबर्स भी दे दीजिए प्लीज। नंबर्स तो खुद लेकर बैठे हैं वो, और क्या, खुद ही दे दो यार।